किड्स स्टोरी कॉर्नर। एक छोटे से शहर में रघु नामक एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह एक दयालु इंसान था। बहुत सारे लोग उसके घर आते जाते थे और सभी को उसकी मेहमानदारी पसंद थी। लेकिन एक दिन उसने अपना धन एक व्यापार में लगाया जिसका नुकसान हो गया, जिसकी वजह से रघु ने अपना सारा धन दौलत खो दिया। उस दिन से कोई उसके पास नहीं जाता था। रघु को बहुत अकेला लगने लगा। पैसों के बिना मेरा कोई महत्व है ही नहीं, ऐसे कैसे जीऊं मैं? ऐसा सोचते सोचते रघु गहरी नींद में सो गया। उसने तब एक बहुत अच्छा सपना देखा। सपने में एक साधु ने उससे बोला, ओ रघु, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, फिर मेरे सिर को तुम एक लकड़ी से छूना और मैं सोने में बदल जाऊँगा। उस सोने का उपयोग करके अपनी परेशानियों से निकल जाओ। अगली सुबह जब रघु जाग गया तो उसे वो सपना याद रहा। सोच में पड़ गया कि ये सच होगा भी या नहीं। इसी दौरान कोई दरवाजे पर आया। रघु की पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि नाई आया हुआ है। नाई अपने काम पे लग गया और रघु निराश होकर बैठा रहा। फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। सच में एक साधु बाहर खड़ा था। रघु साधु को देखकर आश्चर्य रह गया। जल्दी से वो लकड़ी ले आया और साधु के सर को उससे छुआ। रघु को विश्वास ही नहीं हुआ कि साधु सच में सोने के रूप में बदल गया। नाई भी ये देखकर अचरज रह गया। रघु ने थोड़ा सा सोना नाई को भेंट में दिया और बोला कि जो कुछ हुआ वह किसी को इस बारे में नहीं बताए। नाई इस बात से सहमत होकर वहाँ से खुशी खुशी सोना लेकर चला गया। कुछ देर बाद वह सोचने लगा, अच्छा तो इन साधुओं के सिर पर लकड़ी से मारने से ये सोने में बदल जाते हैं। अगले दिन ये लालची नाई एक मंदिर गया और सभी भिक्षुओं को अपने घर भोजन पे बुलाया। जब साधु उसके घर पहुँचे तो नाई ने सबको एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारे भिक्षुओं को बहुत जोर की चोट लगी। जैसे तैसे करके सभी वहाँ से भाग गए और महाराज के पास चले गए नाई की शिकायत करने के लिए। महाराज ने सारी घटना सुनी और तुरंत नाई को महल पर आने का आदेश दिया। भिक्षुओं को क्यों मारा? पूछा महाराज ने। जो कुछ नाई ने रघु के घर पर देखा उसने सब कुछ बताया। फिर महाराज ने रघु को भी उधर बुलाया और उससे भी यही सवाल किया। प्रणाम महाराज। जी हाँ, ये सच है कि वो साधु सोने में बदल गया, परंतु मैंने उसके सिर पर मारा नहीं। लगता है इस नाई को पूरी कहानी पता ही नहीं। रघु ने महाराज को सब कुछ बताया और उसके वो सपने के बारे में भी। आखिरकार महाराज को सब समझ आ गया और उस लालची नाई को उसके कर्मों के लिए बंदी बना लिया।